श्री अमरनाथ यात्रा 2023 के मद्देनजर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्री अपनी यात्रा हेतु बैंकों में पंजीकरण करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के चलते जालंधर बस्ती अड्डा स्थित जेके बैंक में यात्री अपना पंजीकरण करवाने के लिए पहुंचे। पंजीकरण की प्रक्रिया के चलते पहले दिन से ही यात्रियों का तांता लगा रहा। इस दौरान यात्रियों से पंजीकरण के विषय में पूछने पर उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत होने पर जहां उन्हें खुशी हुई है, वहीं इस वर्ष पंजीकरण बनवाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे उन्हें कहीं ना कहीं निराशा भी हुई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए बैंक अधिकारी ने बताया कि श्राइन बोर्ड की तरफ से 2 घंटे का समय मिला है। पंजीकरण वितरण के लिए एक ही काउंटर उपलब्ध है, जिससे लोग काफी नाराज भी हैं और उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बैंक अधिकारी ने आगे बताया कि श्राइन बोर्ड की तरफ से उन्हें यह आदेश है कि एक दिन में 1 तारीख के 60 ही पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें 30 बालटाल के और 30 पहलगाम के होंगे। आज पहले दिन 67 पंजीकरण ही किए गए हैं। जैसे जैसे लोग रोज आते जाएंगे, पंजीकरण की प्रक्रिया तय समय के अंदर जारी रहेगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सर जी, ये हिंदू धर्म लिए ना बहुत गलत काम है। देखो, जो यात्रा हुई है भगवान की यात्रा, जो जत्थे लैके जाते, बसा लैके जाते, उन्होंने कितनी प्रॉब्लम है। वो कितने कल्ला कल्ला बंदा ले आऊगा जी, कोई संगठन नहीं बनने देंगे जी। मतलब कि सारे कट्ठे जाने लिए, सारे कट्ठे इन्हों बस वाले कि ले जाओगे कट्ठे बंदे। एक एक बंदा आऊगा, एक एक गड्डी च जाऊगा, कोई संगठन नहीं, कोई कार बस नहीं ले जा सकता। फिर यह मतलब इन्हों चाहिए वा, जे कोई बस वाला ज कोई अपने ट्रैवल वाला 5-7 लिया, अपने फैमिली ले जाता वा, इन्हों करने चाहिए आ। एक एक इन्होंने कर दिता, सारा गलत तरीका कर दिता। जिदा एक काउंटर लगा है, हाँ जी, लोग खड़े ने। देखो ये भी गल आ, जे ज़्यादा ही इन्हों लगता काउंटर, इन्हों 2-4 लाने चाहिए। एक काउंटर से एक सवेर तो नहीं शुरू करते, 3 बजे तो शुरू करते, 5 बजे तक करना जी। देखो जी, जब इन्हों पता साढ़े शहर चो, जलंधर शहर चो काफ़ी बसा जा, हर डेट अलग आ, पर इन्हों डेट के हिसाब न हरेक बंदे कुल थोड़े जे तो फार्मर देने चाहिए है ना। अंगूठा लगा के कर दिता, पर बंदा आवे फिर ही करावे। हूँ मान लो ये ग्रुप जाता, मान लो 50 बंदे, हाँ जी, वो नहीं जा सकता, 50 बंदे का ग्रुप नहीं जा सकता। हाँ जी, देखो जी, बस जाती है, उन्होंने एक डेट होनी चाहिए आ। वो एक डेट कितना ले लूगे, डेट है ही नहीं उत्थे, दर्शन डेट तो उन्होंने नहीं जान देना। आज हमने रजिस्ट्रेशन साथ की है, तो आपने देखा होगा हमने बड़ी सक्सेसफुली अभी तक 70 लोगों की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और आज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से शाम के वक्त तक हम कोई 150 रजिस्ट्रेशन आज कर देंगे। हमारे पास काफ़ी बड़ा कोटा है, बट मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि वो थोड़ा सा अपनी लाइनें बनाए रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। सबको रजिस्ट्रेशन होगा, सबका टाइम पे होगा। जेके बैंक में सहूलियत पूरी है, हमने सबके लिए बंदोबस्त करके रखा है, हमने चेयर्स का बंदोबस्त करके रखा है, पानी है। बस थोड़ा सा लोगों से अपील करते हैं कि थोड़ा सा प्लीज़ काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा धैर्य रखें, सबको नंबर आएगा। जैसे कि यात्रियों से हमें दरख्वास्त हुआ है कि उन्होंने बोला कि काउंटर एक की बजाय ज़्यादा काउंटर होने चाहिए, इसमें आप क्या कहना चाहिए? ये श्राइन बोर्ड की हमारे पास इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आता है, एक सर्वर है, एक सर्वर पे आप अगर हम 10-10 टर्मिनल लगा के रखेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा। तो ये एक श्राइन बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है, हर ब्रांच को एक ही कोटा है, वो उनके मुताबिक ही दिया गया है, एक ही सर्वर है तो उसी पे ही ब्रांच चल। तो ये 2 घंटे में कितने कर सकते हैं आप और कितने हो जाएंगे? सर ये डिपेंड करता है टोटली हमारे उस पे सिस्टम पे, जितना उसकी स्पीड आ रही है उसी के मुताबिक चलेगा। बहुत बहुत दिक्कतें हैं ऑनलाइन में ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण, कभी किसी का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, कभी किसी के आधार में पूरी अपडेशन नहीं है, तो उसके इसी वजह से थोड़ी थोड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। किसी का नंबर फीड नहीं है तो वो आगे नहीं जाने दे रहा है।